झारखंड में स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस पर आज मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में जैन समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोग दिल्ली के प्रगति मैदान और इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों के एक डेलीगेशन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी दिया है। हाथों में विरोध की तख्तियां और चेहरों पर तिलमिलाहट लिए सड़क पर निकले हैं जैन समुदाय के लोग। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या अलीगढ़, क्या रांची, देश में जहां भी जैन समुदाय के लोग हैं, वहीं उन्होंने विरोध की आवाजें बुलंद की हैं। साल के पहले ही दिन की शुरुआत जैन धर्म के विरोध प्रदर्शन से हुई है। देखिए, जैन समुदाय का ये जत्था दिल्ली का है। झारखंड की सोरेन सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार के खिलाफ जैन समुदाय ने विरोध की आवाज को बुलंद किया है। जैन समुदाय के लोगों को दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, मगर आक्रोशित प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे। कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। ये प्रदर्शनकारी इंडिया गेट की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। साल 2023 के पहले दिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट पर किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन ये जन सैलाब में आम लोग के साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से विश्व जैन समुदाय के बैनर तले आप देख सकते हैं जैन समुदाय के तमाम लोग देश के अलग अलग राज्यों से यहां पहुंचे हुए हैं। और बाकायदा देखिए, जो टोपी पहने हुए हैं उस पर लिखा हुआ है कि किस तरह से वह सम्मेध शिखर के स्वाभिमान के लिए, उसके सम्मान के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की भीड़ है, पुलिस भी पहुंच गई है, क्योंकि अव्वल तो आने की इजाजत नहीं दी गई थी। बावजूद इसके आप यहां पर देख सकते हैं पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, इलाके के डीसीपी हैं और मान मनोवल कर जानने और समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैन समुदाय के लोगों के इस आक्रोश की वजह जान लीजिए। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ियों पर स्थित सम्मेध शिखर जी जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार ने इस पर हामी भर ली, मगर धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में बदले जाने का ये नोटिस जैन समुदाय को रास नहीं आया। जैन समुदाय आरोप लगा रहा है कि उनके धार्मिक स्थल को पर्यटन में बदलना भावनाओं को आहत करने वाला है। जिस पावन क्षेत्र पर हम लोग नंगे पैर वंदना करते हैं, धोती दुपट्टा पहन करके वंदना करते हैं, वहाँ पर अश्लील डांस लोग कर रहे हैं, उसको पर्यटन क्षेत्र बना दिया। जैन समाज पी रहे, सिगरेट पी रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर। मांस तक खाया जा रहा है, मांस तक खाया जा रहा है, मांस खाया जा रहा है वहाँ पर। बहुत बदतमीजी हो रही है वहाँ। पुलिस हम लोगों को, हम लोग जैन समाज के शांति प्रिय लोग हैं, पुलिस हम लोगों को यहाँ पर आने नहीं दे रही, जगह जगह बैरिकेडिंग करके हम लोगों को रोका गया। पूरे देश में जैन समाज यही आरोप लगा रहा है कि उनके धार्मिक स्थल में शराब और मांस भी पर्यटक खाएंगे, जो जैन समुदाय बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है, वैसा ही प्रदर्शन मुंबई में भी देखने को मिला। मुंबई में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मसला सिर्फ पर्यटन स्थल बनाना ही नहीं है। कुछ दिन पहले गुजरात के पलीताणा में जैन मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी, यह उसका भी आक्रोश है। जैन समुदाय के इस विरोध प्रदर्शन में अब सियासत भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने जैन समुदाय का समर्थन किया है। ओवैसी ने लिखा, जैन समुदाय के इस विरोध प्रदर्शन का हम समर्थन करते हैं। झारखंड सरकार अपना ये फैसला रद्द करे और सीएमओ गुजरात को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैन समुदाय के विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकारें क्या कदम उठाती हैं। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।